हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बच्चों क्लासेस। आई एम बच्चा सो डायरेक्टर ऑफ बच्चों क्लासेस। बच्चों लोग, वी हैव स्टार्टेड टू स्टडी आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स पार्ट टू, जिसका नाम है बच्चों लोग बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बच्चों लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ जिसकी भी कंसेप्ट्स अच्छी होती है, कंसेप्ट अच्छी मीन्स यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट ज्योमेट्री। अगर कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो ज्योमेट्री आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगेगा। बच्चों लोग, तो कंसेप्ट हमेशा अच्छी रखो। बच्चों लोग, वी वर सॉल्विंग प्रॉब्लम सेट वन, उसमें से भी हमने थ्री सम्स कर लिए थे। तो चलो बच्चों लोग, लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग सम्स। बच्चों लोग, फोर्थ क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन अ नंबर लाइन इज -7। बच्चों लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी है -7। Find the coordinate of points on the number line. Find the coordinates of the points on the number line which are at a distance of 8 units from point P. बच्चों लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, नंबर लाइन है, बच्चों लोग नंबर लाइन है, P का कोऑर्डिनेट -7 है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज गिवन -7। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है बच्चों लोग -7। नाउ वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस नंबर लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पी। पी से 8 यूनिट्स जो भी दूर है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। बच्चों लोग, पी से 8 यूनिट्स राइट में भी पॉइंट होगा, पी के राइट में भी 8 यूनिट्स डिस्टेंस पे पॉइंट होगा। बच्चों लोग, पी के लेफ्ट में भी 8 यूनिट्स पे कोई पॉइंट होगा। तो हमें कोऑर्डिनेट ढूंढना है, जो भी पॉइंट पी के राइट में है उसका भी ढूंढना है कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट पी के लेफ्ट में होगा तो बच्चों लोग हमें उसका भी कोऑर्डिनेट ढूंढना है। बच्चों लोग, एज यू नो राइट साइड में कोऑर्डिनेट्स क्या होते जाते हैं बच्चों लोग, बड़े होते जाते हैं। राइट साइड में कोऑर्डिनेट्स आर इंक्रीजिंग और लेफ्ट साइड में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों लोग, डिक्रीज होते जाते हैं। नंबर लाइन आपने देखी है। तो बच्चों लोग, हमें राइट का कोऑर्डिनेट जब भी फाइंड करना होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी +8। और जब भी हमें लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल टू इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी -8 करना पड़ेगा। चलो, जो भी राइट में होगा, राइट में नंबर लाइन पे नंबर्स वैल्यूज बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। तो चलो, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट मींस व्हिच इज ऑन राइट साइड, उसके लिए हमें करना पड़ेगा चलो कोऑर्डिनेट ऑफ पी +8। और जो भी लेफ्ट में होगा, अगर लेफ्ट में पॉइंट होगा, जो भी रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको, अगर वो लेफ्ट में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट होगा चलो कोऑर्डिनेट ऑफ पी -8। कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी +8 या -8। +8 का अगर वो पॉइंट राइट में है तो, -8 का अगर वो पॉइंट कहां है बच्चों लोग, लेफ्ट में है तो। चलो बच्चों लोग, इसको सॉल्व करते हैं। फिगर ड्रॉ की तो भी चलेगा, नहीं ड्रॉ की तो भी चलेगा। तो चलो बच्चों लोग, सॉल्यूशन Find the coordinates of points P on the number line which are at a distance of 8 units from the point P. बच्चों लोग, मैं उसको ही इस सेंटेंस को ही as it is उठा लेता हूं। The coordinates of points on the number line, the coordinates of points on the number line on the number line which are at a distance of 8 units from P are the coordinates of points on the number line which are at a distance of 8 units from P. P से 8 units की दूरी पर होने वाले पॉइंट्स के coordinates, चलो जो भी है
केस वन इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन द राइट साइड ऑफ पी इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन द राइट साइड देन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज वॉट कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस हमें चाहिए 8 यूनिट्स की दूरी पर तो प्लस 8 कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इक्वल टू व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस 8 बट चलो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज व्हाट माइनस 7 प्लस 8 नाउ चलो सिंप्लीफिकेशन में एक वैल्यू माइनस है एक वैल्यू प्लस है If one of them is negative, one of them is positive, तो बच्चों लोग यहाँ addition नहीं होगी, 7 plus 8, 15 नहीं होंगे, तो subtraction करनी पड़ेगी, 1 minus 8 subtraction, 8 minus 7, 1 और give sign of greater term 8 है, उसका sign plus है, यहाँ plus लिखो, या नहीं लिखा तो भी चलता है, तो बच्चों लोग case 1, if the required point is on the right side, of P, if the required point is on the right side, then coordinate of that point is what? Coordinate of P plus 8. हमने plus क्यों किया बच्चों? क्योंकि right side में values बढ़ती जाती है on number line इसलिए. Now बच्चों case 2, that is option 2. Case 2. If the required point is on the left side, of point P. Now, if the required point is on the left side, then coordinate of that point. Equal to coordinate of that point होगा बच्चों लोग coordinate of P minus 8 अगर बच्चों लोग point left में होगा तो left में values कम होती जाती है इसीलिए if that point is on left side of P then coordinate of that point is what coordinate of P minus 8 P का कोऑर्डिनेट बच्चों लोग दिया हुआ है -7 -8 ना बच्चों लोग दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं दोनों माइनस हैं तो सेम होने के कारण दोनों लाइक टर्म्स होने के कारण एडिशन करो 7 and 8 15 और बच्चों लोग कुछ बच्चे माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो बच्चों लोग माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में यहां नहीं तो -7 -8 कितना बनता है बच्चों लोग -15 ही होता है नाउ बच्चों लोग सेकंड केस इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन द लेफ्ट साइड तो उसका कोऑर्डिनेट होगा बच्चों लोग कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी और लेफ्ट में होने के कारण बच्चों लोग -8 यहां कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस 8 क्यों वो पॉइंट अगर राइट में है तो प्लस करना पड़ेगा लेफ्ट में है तो माइनस करना पड़ेगा -7 -8 बच्चों लोग -15 तो बच्चों लोग ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को बच्चों लोग फिफ्थ क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फर्स्ट इज इफ ए डैश बी डैश सी मींस बी इज बिटवीन ए एंड सी एंड डिस्टेंस ए सी इक्वल टू 17 Distance BC equal to 6.5, then distance AB equal to question mark. Means, बच्चों लोग we have to find distance AB. Second sub question भी है, उसको बाद में सॉल्व करते हैं. चलो बच्चों लोग first one. Solution और first का. बच्चों लोग first में betweenness है A dash B dash C. A dash B dash C
चलो इस पर से सिंपल फॉर्मूला हम बना सकते हैं। देखो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी होगा डिस्टेंस ए सी। डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी होगा चलो डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस बिटवीन एम पॉइंट सबसे बड़ा होगा। तो बच्चों लोग ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस होगा ए सी डिस्टेंस। चलो इसको एक फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों लोग। इफ ए डैश बी डैश सी मीन्स बी इज बिटवीन ए एंड सी, देयरफॉर देयरफॉर बच्चों लोग डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी छोटा वाला डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी होगा बच्चों लोग डिस्टेंस ए सी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये छोटा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है और सबसे लंबा डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ए सी। तो बच्चों लोग चलो हमने फॉर्मूला बना लिया, डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल डिस्टेंस ए सी। जो भी वैल्यूज अपने पास है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों लोग। चलो डिस्टेंस ए बी, देन डिस्टेंस ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो इसको तो बच्चों लोग फाइंड करना है, वो तो एज इट इज रहेगा, फिर डिस्टेंस ए बी एज इट इज रहेगा प्लस डिस्टेंस बी सी। बच्चों लोग डिस्टेंस बी सी 6.5, बी सी की वैल्यू है 6.5 इक्वल टू डिस्टेंस ए सी, ए सी की वैल्यू है बच्चों लोग 17, डिस्टेंस ए सी, ए सी की वैल्यू है 17। Therefore, distance AB equal to 17 plus 6.5 को उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं, प्लस वाला बन जाएगा बच्चों लोग माइनस, 6.5 को शिफ्ट कर दिया प्लस बन गया माइनस, और चलो अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। Therefore, distance AB 17 माइनस 6.5, बच्चों लोग डू दिस सब्सट्रैक्शन केयरफुली, 17 माइनस 6.5। तो बच्चों लोग कुछ लोग कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं 11.5, तो ये क्या होता है बच्चों लोग रॉन्ग होता है, 11.5 इज नॉट करेक्ट आंसर। बच्चों लोग हमें सिर्फ 6 नहीं 0.5 को भी सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ 6 को नहीं 0.5 को भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, इसीलिए क्या करो यहाँ पॉइंट ले लो, टेक हेल्प ऑफ पॉइंट, 17 का मतलब 17.0 भी होता है। नाउ डू सब्ट्रैक्शन, 0 माइनस 5 होता है क्या बच्चों, 0 माइनस 5 नाउ तो से 10 माइनस 5 5 1 कैरियर आ जाएगा, 10 माइनस 5 5 एक कैरियर हो गया, और 17 माइनस 7 होगा बच्चों लोग 10, तो ये आंसर आता है बच्चों लोग 10.5। डू द सब्ट्रैक्शन केयरफुली, तो डिस्टेंस ए बी का आंसर है बच्चों लोग 10.5, दिस इज डिस्टेंस ए बी। बच्चों लोग सेम क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन सेकंड भी वही है, सेकंड में बच्चों लोग सेकंड में बिटवीननेस इज पी डैश क्यू डैश आर, बिटवीननेस इज दिस, Q is between P and R. तो चलो बच्चों लोग फॉर्मूला बनाते हैं, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर होगा डिस्टेंस क्या पी आर। सिंपल फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर होगा बच्चों लोग डिस्टेंस पी आर। चलो फॉर्मूला बना लेते हैं और वैल्यूज है अपने पास तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस पी क्यू छोटा वाला डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस क्यू आर दूसरा छोटा डिस्टेंस और सबसे बड़ा डिस्टेंस है बच्चों लोग डिस्टेंस पी आर। डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। चलो बच्चों लोग वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू है बच्चों लोग 3.4, इसकी वैल्यू अवेलेबल है और वो है बच्चों लोग 3.4 प्लस डिस्टेंस क्यू आर, बच्चों लोग क्यू आर की भी वैल्यू अपने पास है 5.7 इक्वल टू
डिस्टेंस पी आर, क्वेश्चन इज देन डिस्टेंस पी आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको ही फाइंड करना है। चलो डिस्टेंस पी आर एज इट इज रहेगा, उसको फाइंड जो करना है। चलो बेटा दोनों के एडिशन कर लेते हैं, 3.4, 5.7, नाउ डू एडिशन, 4 + 7 11.1 कैरियर आ जाएगा, 1 and 5 6 6 and 3 what 9, तो बच्चों लोग आंसर होगा ये 9.1 इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस पी आर। देयरफॉर बच्चों लोग डिस्टेंस पी आर 9.1, तो बच्चों लोग बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिटवीननेस देखकर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन में से फॉर्मूला लिख लो और वैल्यू जो भी है अवेलेबल बच्चों लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी बचा हुआ डिस्टेंस है उसका आंसर मिल जाता है। तो बच्चों लोग ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन, चलो अब सॉल्व करते हैं सिक्स क्वेश्चन को। बच्चों लोग सिक्स क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन अ नंबर लाइन इज 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज व्हाट 1, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1. What are the coordinates of points on the number line which are at a distance of 7 units from A? अब जो भी पॉइंट्स A से 7 यूनिट्स की दूरी पर है उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो बच्चों लोग आज ही ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ये 6th क्वेश्चन तो सेम एज इट इज था, सिर्फ एक ही जगह पॉइंट P नाम यूज किया था और उसका कोऑर्डिनेट था -7 और यहाँ डिस्टेंस 7 के बजाय क्या था बच्चों लोग 1 था। सेम क्वेश्चन है, मींस सेम आंसर रहेगा बच्चों लोग। तो बच्चों लोग पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज व्हाट 1, बच्चों लोग पॉइंट A का कोऑर्डिनेट A's कोऑर्डिनेट इज व्हाट 1। तो अब जो भी पॉइंट 7 यूनिट्स की दूरी पर है, 7 यूनिट्स की दूरी पर तो बच्चों लोग इस डायरेक्शन में भी पॉइंट होगा, 7 यूनिट्स की दूरी इस डायरेक्शन में भी पॉइंट होगा, तो यहां इस साइड में एक पॉइंट होगा, इस साइड में एक पॉइंट होगा, 7 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। जो भी राइट साइड में होगा बच्चों लोग राइट साइड में वैल्यूज बढ़ती जाती है, इसीलिए राइट साइड का कोऑर्डिनेट ढूंढते हुए हमें करना पड़ेगा, राइट साइड के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस 7 ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ दैट रिक्वायर्ड पॉइंट। और बच्चों लोग अगर वो पॉइंट लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में ए के लेफ्ट में, देन कोऑर्डिनेट ऑफ दैट रिक्वायर्ड पॉइंट होगा बच्चों लोग कोऑर्डिनेट ऑफ ए -7, राइट साइड के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस 7 होगा रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और लेफ्ट साइड में अगर होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए -7 होगा। बच्चों लोग सेम क्वेश्चन लाइक टू फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में यही था। चलो बच्चों लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन बच्चों लोग आंसर में ये स्टेटमेंट में पूरा ले लेता हूं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, सिर्फ मैं व्हाट आर को छोड़ देता हूं, द कोऑर्डिनेट्स यहां से स्टार्ट कर देता हूं आंसर में, द कोऑर्डिनेट्स coordinates of points on the number line which are at a distance of seven units from A are, चलो वही स्टेटमेंट मैंने यहां ले लिया, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम ए आर, एंड चलो केस वन, फर्स्ट केस ऑप्शन वन, केस वन, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट is on right side of point A,
If the required point is on right side of point A, then coordinate of required point. Coordinate of required point. देखो मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और ए के राइट में वो पॉइंट है तो उस रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए प्लस वो कितनी दूरी पर है बच्चों, 7 यूनिट्स फ्रॉम ए, ए से 7 यूनिट्स दूर है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस 7। अगर वो लेफ्ट में होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस 7। तो चलो चलो, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 1 है, राइट में होने के कारण प्लस 1 प्लस 7, तो बच्चों रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 8। नाउ बच्चों केस 2, दैट इज ऑप्शन 2, केस If the required point is on left side, right में ले लिया आप, left में ले लेते हैं। If the required point, is on left side, of point A, अगर वो required point left में है, then coordinate of required point कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, और लेफ्ट में होने के कारण माइनस वो जो दूरी दी है 7 यूनिट्स की वो, राइट में हुआ तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस 7 रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और लेफ्ट में होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस 7। और वो जो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन 1, ए का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है 1 माइनस 7। ना वो जो एक प्लस वैल्यू है एक माइनस वैल्यू है, तो डू सब्ट्रैक्शन, 7 माइनस 1 इज व्हाट 6, और गिव साइन ऑफ ग्रेटर टर्म, साइन बड़े का आएगा तो माइनस 6। तो वो जो सेम क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, एज वी हैव सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ के जैसे ही था। तो बच्चों केस 1, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन राइट साइड, देन रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए, राइट साइड में होने के कारण प्लस 1 प्लस 7 8। अगर वो पॉइंट लेफ्ट में है, इफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ऑन लेफ्ट साइड, तो रिक्वायर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस 7, कोऑर्डिनेट ऑफ ए था 1 माइनस 7, और 1 माइनस 7 होता है माइनस 6। तो बच्चों चलो ये था अपना 6th क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। बच्चों लोग 7 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। बच्चों लोग क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। बच्चों लोग किसको बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्म। बच्चों लोग ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, अभी तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1 को, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमने स्टडी किया ही है। द स्टेटमेंट रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन, जो भी स्टेटमेंट बच्चों लोग हम इफ देन को यूज कर कर लिखते हैं उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्म, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलो बच्चों लोग यहां कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको हमें लिखना है यूजिंग इफ एंड देन, इफ देन यूज करके अगर स्टेटमेंट लिखा है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। बच्चों फर्स्ट वन, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों लोग ज्योमेट्री में यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, एवरी रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट इट इज गिवन, सो वी आर यूजिंग इवन दैट रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरी स्क्वायर इज रोम्बस, एवरी स्क्वायर रोम्बस होता है, लेकिन एवरी रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। इन बुक व्हाट इज गिवन, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमें क्या करना है बच्चों लोग, सिर्फ कंडीशनल बनाना है तो कंडीशनल बना लेते हैं। ओके बच्चों लोग सेकेंड है, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री,
angles in linear pair are supplementary. Third, a triangle is a figure formed by three segments. A number having only two divisors is called a prime number. तो बच्चों को क्या करना होता है, इफ देन में कन्वर्ट करना है, तो इफ से स्टार्ट और बाद में प्रॉपर जगह पे क्या देन यूज करना होता है. इफ से स्टार्ट देनी है और बाद में प्रॉपर प्लेस में देन को इंट्रोड्यूस करना होता है. इफ और देन. तो जो लोग ये जो भी इज आर जैसे वर्ड्स आते हैं इज, वहां देन की जगह होती है. जो लोग ये जो भी इज आर वर्ड्स आते हैं वहां होता है बच्चों लोग क्या, देन की पोजीशन, वहां होती है देन की पोजीशन. इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज अ स्क्वेयर. इफ अ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज अ स्क्वेयर. इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, If the angles are in a linear pair, then they are supplementary. यहां R है चलो, तो जहां भी is or के positions है वहां हमें replace करना होता है then को. If angles are in a linear pair, then they are supplementary. If a given figure is triangle, then the figure is formed by three segments. यहां पर चलो, if a number is having only two divisors, then it is called a prime number. जहां भी बच्चों लोग is, r is आता है उसके पहले क्या then की जगह होती है. If a quadrilateral is rhombus, then it is a square. If angles are in a linear pair, then they are supplementary. If a given figure is triangle, then the figure is formed by three segments. If a number having only two divisors, then it is called a prime number. चलो चलो सॉल्यूशन बच्चों लोग, फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर होगा कंडीशनल. इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज स्क्वेयर. दिस इज फर्स्ट वन. बट चलो सेकेंड स्टेटमेंट का कंडीशनल होगा, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, देन दे आर सप्लीमेंट्री. इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर, इफ द एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री. देन दे आर सप्लीमेंट्री. चलो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ देम इज 180. सप्लीमेंट्री मीन्स टू एंगल्स व्हिच सम इज 180. थर्ड, अ ट्राइंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय थ्री सेगमेंट्स. यहां इफ देन कैसे, इफ गिवन फिगर इज ट्राइंगल देन इट इज फॉर्म बाय थ्री सेगमेंट्स.
If it is a triangle, then it is formed. It is formed by three segments. Or one can say, if a given figure is triangle, then it is formed by three segments. But the fourth one. A number having only two divisors is called a prime number. Start karte hain if se. If a number is having only two divisors, then it is called a prime number. If a number is having, only two divisors. If a number is having only two divisors, then it is called, a prime number. तो चलो यहां हमने सब स्टेटमेंट्स को कंडीशनल फॉर्म में कर दिया. कंडीशनल फॉर्म मतलब वी हैव टू यूज इफ एंड देन इन प्रॉपर प्लेसेस. तो चलो ये था अपना 7th क्वेश्चन. प्रॉब्लम सेट में चलो और भी कुछ क्वेश्चंस बाकी है, उनको करवाएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. बच्चे लोग अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपना चैनल जो भी है बचाओ क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो. और अगर तुम्हारे 9th के फ्रेंड्स को इस वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ती है तो बच्चे लोग उनको ये शेयर भी करो. तो बच्चे लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में.